कलेजा खींच लूंगा आराम पर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों शोएब जमाई की कुटाई हो गई है, उसको चीर दिया है, फाड़ दिया है सुबही खान ने, जैसे कि आपने ट्रेलर वीडियो में भी देखा। और इस वीडियो में हम इस शख्स को और भी एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि ये बंदा क्या बोलता है, कितनी नफरत इसके मन में घुली हुई है। मैंने ये देखा है कि जो भी लोग कहते हैं कि हम असली इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो वायलेंट होते हैं, वो दूसरों को भद्दी भद्दी चीज़ें बोलते हैं, वो गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इनको करते हैं एक्सपोज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है वो बेल आइकन को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, तो उससे नोटिफिकेशन उनको मिलने लगेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको आनंद आएगा, मजा आएगा और आपको इनकी हकीकत जो है वो पता चलेगी। चलो भाई देखो अपने क्या। कूट दिया भाई तगड़े तरीके से। नहीं नहीं नहीं, इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। तो इस कुटाई को देखकर मुझे घातक के सन्नी देओल का जो सीन है वो याद आ जाता है, जहां पर वो कातियों कहता है उठा उठा कर पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा हरामजादे। तो दोस्तों सुबही खान ने इसको अच्छे से धोया है लाइव टीवी डिबेट में। और ये क्या कह रहा था, ये सुबही खान को कह रहा था कि तुम क्योंकि हिंदू से तुमने शादी करी है और तुम जो है वो जिना किया है, पता नहीं क्या क्या बातें ये कर रहा था। और ये कह रहा था कि अगर कोई भी मुस्लिम औरत हिंदू से शादी करती है तो वो हराम है और उसके जो संतान होगी, जो बच्चे पैदा होंगे वो भी हराम होंगे। तो इसने जो सुबही खान जी का एक बेटा है तो उन्होंने फिर उनको गुस्सा आ गया कि जब उनके बेटे को हराम बोला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरा सनी देओल की तरह चीर दूंगा फाड़ दूंगा करके इस बंदे को अच्छे से धोया और स्टूडियो से इसको धक्के मारकर बाहर निकाला गया। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि ये लोग हमारे देश में रहते हैं, और मैंने ये भी देखा है, आपने भी ये चीज़ नोट करी होगी कि जितने भी सेकुलर हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू भी आपको वही बातें बोलेंगे जो ये कट्टर मुसलमान बोलते हैं। जैसे कि जो कट्टर मुसलमान है वो हमेशा देश को गाली देगा, वो देश की आर्मी को गाली देगा। सेकुलर हिंदू भी देश को भी गाली देते हैं, देश के जो है आर्मी को भी गाली देते हैं। आपने ये देखा होगा कि मुसलमान जो कट्टर होगा वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलेगा, और जो सेकुलर हिंदू है वो भी देश के में रहकर हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं को ही बुरा बोलेगा, कभी भी इस्लाम के ऊपर कभी क्वेश्चन रेज नहीं करता है। जो ये अनंत कहानी कही जाती है जन्नत को लेकर, ये कहा जाता है कि जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी और ये लालच दिया जाता है, ये सारा का सारा लालच देकर मुसलमानों को जो है वो कट्टरता सिखाई जाती है। उनको ये लालच दिया जाता है कि तुम्हें जन्नत में ये पैरामीटर हैं, तो इन पैरामीटर्स को फॉलो करोगे तो आपको जन्नत में हूरें मिलेगी। आप सुनिए जरा सुबही खान ने टीवी पर क्या कहा था, इसको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी और यहाँ पर जो जन्नत का कंसेप्ट है इनका सारा का सारा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जन्नत का क्या कंसेप्ट है। आप उनकी बात सुन नहीं रहे ना, आप उनकी बात सुन नहीं रहे, आप भी मानते हैं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे। ये जो मैं आस्था व्यक्त कर रहा हूँ आप मानते हैं? आप अपनी आस्था अपने पास व्यक्तिगत तौर पर रखिए, अभी हम एक मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं मानते हैं आप, पहले उनकी बात सुनिए। आप भी मानती हैं कि नहीं मानती? क्यों मानेंगी भाई, वो हिंदू है। पहले उनकी बात सुनिए। आप मानती
कि नहीं मानती? आप मेरे से कोई नहीं बताएंगे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेना है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेना है, मैं बिल्कुल नहीं मानती। तो चीज है, हो गया। बिल्कुल नहीं मानती। अब आप तो झूठ झूठ मंगाता है। आप झूठ बोल रहे हैं, सीधी बात है। आप झूठ बोल रहे हैं। अब रुक जाइए, सुन लीजिए। इस्लाम की सुबह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप बौखलाइए मत। अभी यहाँ पर ये एंकर को ही पूछने लग गया कि आप 72 हूरों को मानती हैं कि नहीं मानती हैं, अब जन्नत के कंसेप्ट को मानती हैं कि नहीं मानती हैं। बार बार बोल रहा था तो उसने बोल दिया रिपोर्टर ने कि भैया मैं नहीं मानती हूँ, ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनको आप अपने पास ही रखिए। जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं, मुसलमान कैसा? आप फिर जवाब दीजिएगा जी। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं, ये ध्यान से सुनना जरा। गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लोट जाएगा, गरम गरम कड़ाही के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सवाल पूछे, जवाब ले लेते हैं। उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। क्या है दुनिया? रिजवी साहब, देखिए एक मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते सर, ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम की नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, नहीं सिर्फ एक चीज में नहीं, देखिए बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए नाम का मुसलमान सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं और दुनिया के तमाम मजाहिब हैं। अगर गैर मुस्लिम है तो सुनिए, मुसलमान का नाम रखे तमाम मजाहिब हैं, आप बोले ये तो और खतरनाक है। साजिश साहब, साजिश करती है, साजिश साहब। फाइनली किसी से तो डरे आप लोग, एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, एक मिनट, देखिए देखिए ऐसा है, हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम के सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी इसने कहा कि खुद हिंदू से शादी करा के बैठी है। भाई हिंदू से शादी करना क्या बुरी बात है? अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेगी तो तुम्हारा इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है? और वो जो लव जिहाद वाले केस तुम करवा रहे हो, जहां हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको जब बाद में पता चलता है कि भैया ये शख्स तो मुसलमान था, तो उसको तुम क्या कहोगे? मतलब एक हिंदू से हिंदू लड़की को तुम अपने उसमें कन्वर्ट करवा लेते हो, उसको पहले से धोखे से फंसाते हो। लव जिहाद क्या है? पूरा का पूरा लव जिहाद में पहले धोखे से फंसाना है हिंदू लड़की को, फिर जैसे वो फंस जाएगी उससे झूठ मूठ की शादी कर लेनी है, और जब उसे असलियत का पता चलेगा फिर उसे डराया धमकाया जाएगा, उसे घर में बांध कर रख दिया जाता है रस्सियों से बांध कर, और वो लड़की फंस चुकी होती है। अब वो ना इधर की होती है ना उधर की, और उसके पास कोई और चारा नहीं बचता। और ये इन लोगों को ये चीज पता है, ये कमियां इनको पता है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, फिर उसको माइंड वॉश करते हैं और फिर बोलते हैं तुझे इस्लाम कबूल करने पड़ गया। लड़की बोलती है ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए हैं तो चलो इस्लाम कबूल कर ही लेती हूं। तो जैसे ही वो इस्लाम कबूल करती है, अब जो पहले फ्री लड़की थी, जो फ्रीडम से घूम रही थी हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आजकल हो रहा है, तो वो उसे फिर बुरके में हिजाब में ढक दिया जाता है। फिर उसे इस्लाम के सारे रूल बताए जाते हैं कि इस्लाम में हिजाब पहनना होता है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी लड़की, जो सेकुलर थी, जो आज़ादी की बातें करती थी, फ्रीडम की बातें करती थी, उसे उस बुरके में, उस हिजाब में जो है ढक दिया जाता है। और कुछ लड़कियां जो विरोध करती हैं वो कहीं सूटकेस में मिलती हैं या कहीं पर मरी हुई मिलती हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं उनके, जो विरोध करती हैं। और जो विरोध नहीं करती हैं फिर वो अपनी सौतनों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताती हैं, बदतर ज़िंदगी उनकी होती है। आप सोचो, एक शख्स की एक शादी होती है, उस एक शादी में अगर वो अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता, जहाँ चार चार बीवियाँ हैं वहाँ चार चार बीवियों की कहाँ वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? तो नहीं कर पाता, तो उस महिला की क्या जरूरतें नहीं हैं, क्या उसकी जरूरतें वो पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? तो उनके साथ जो बदतर से बदतर जो है वो जुल्म किया जाता है, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। ये है इस्लाम, ये है रियलिटी। आपका वीडियो देखते हैं। अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तसव्वुर यहां भी है, ऐसा नहीं है। यहां क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। क्या एक मिनट, एक मिनट, बम बांध के फट जाओ कह रहा है उनको, बम बांधने वालों को मिलेगा? तो
कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं, इन्होंने कर दिया तमाम। वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो आ रही है, सुन लीजिए, तो सुनिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए, आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरी बात, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, किस बात पे आ रही है? वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो गया आपका, हो गया, क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको, 72 हूरे देखिए ऐसा, ना 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 ना, मैं वैसे आजकल बात कर रहा था राजस्थान, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं, आप मुझे धमका रहे क्या? रिपोर्टर को ही धमकाने लग गया भाई, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे, आस्था पर बात, आप गलत फहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ, मैं भी डरने, और आप वो जो मौलाना होंगे ना, डरने वाले, जिन्हें डराने वाले लोग हैं उनको आप जाके डरा सकोगे, आप मुझे डरा सकेंगे नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे हैं, मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ, आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, उनको खुद अपने गिरफ्तार में, आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है, मेरी नहीं है, तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं, क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मानते उसको, आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं, सवाल पूछना कर रहा हूँ, सवाल तो पूछना जिक्र क्यों, सवाल तो पूछना, मैं पहले ही कंडम कर चुका, फिर सवाल कर, मैं कह रहा हूँ सवाल पूछ लीजिए ना, मुझे तो सवाल पूछ रहे, वो सवाल क्यों नहीं करूंगा, आप जवाब नहीं दे रहे ना, सीधे कर चुके, आप सीधे जवाब नहीं, कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है इस्लाम नहीं मानता उसको, मैं कह चुका, आप बार बार उसी सवाल को ला रहे हैं, अरे तो आप क्यों कर रहे हैं, अरे तो आप किसी दूसरे से सवाल को ला क्यों रहे, बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। तो ये कहता है कि भैया जो उसामा बिन लादेन ने किया, जो कसाब ने किया, हम उसे कंडेम करते हैं, हम उसे नहीं मानते कि वो इस्लाम का कोई पार्ट है, लेकिन अब जो बिन लादेन जब कर रहा था, जब वो पूरा संगठन बना के बैठा हुआ था, वो तो यही कह रहा था कि बाकी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो असली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, असली इस्लाम को तो मैं फॉलो कर रहा हूं, और वो तो यही मानकर उसने वो सारी चीजें करी, है ना, ट्विन टावर को उड़ाया, फिर अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में मारा, वहां छुप के बैठ गया, फिर अगर तुम इतने ही मतलब निडर थे तो वो काम करा, तो फिर लड़ना था ना अमेरिका से, क्यों नहीं लड़े, तुम्हारे अल्लाह ने क्यों प्रोटेक्ट नहीं करा, कसाब ने भी यही करा, जितने भी आतंकवादी खुद को बम लगाकर उड़ जाते हैं वो भी तो यही करते हैं, तो तुम तो कंडेम बोल देते हो, बाद में पता चलता है कि तुम्हारा ही हाथ है उस उन लोगों को जो है वो उकसाने में। जाकिर नायक इंडिया में क्या कर रहा था? जाकिर नलायक भी तो यही कर रहा था, भारत में रहकर लोगों को असली इस्लाम सिखा रहा था, और जब उसने असली इस्लाम सिखाया लोगों को, तो भारत के लोग ना यहां से गए और उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया, और वो लोग आईएस में शामिल हुए, क्योंकि उन्हें जाकिर नायक की तकरीरें सुन रखी थी, जाकिर नायक ने उन्हें असली इस्लाम पढ़ा दिया था, तो असली इस्लाम क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, असली इस्लाम जो है वो क्या है, असली इस्लाम आज तक इन लोगों को शायद पता नहीं चला होगा असली इस्लाम क्या है, है ना, असली इस्लाम वही है जो आईएस वाले कर रहे हैं, आईएस वालों के पास जाओगे ना तो इन मौलानों को 4 थप्पड़ लगाएगा आईएस वाले, बोलेंगे भैया तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम काफिरों के बीच में रह रहे हो, तुम काफिरों को ऐसी चीजें कर रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम गाने सुन रहे हो, तो तुम तो असली इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे हो, कि गाने सुनना भी हराम है इस्लाम में, तो संगीत तो वहां पर हराम है, ठीक है, तो वहां पर तो तुम्हें जो चीजें इंडिया में इतनी सारी फैसिलिटीज इनको मिल रही हैं वो तो इस्लाम में हराम है, इस्लाम तो हर चीज को पता, बैंक अकाउंट खोले होंगे इन्होंने, अब इनको तो ब्याज लेना भी हराम है, पता है तुम्हें ब्याज लेना भी हराम है, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि भैया हम बहुत बड़े इस्लामिक्स हैं, हम बहुत बड़े मतलब स्कॉलर हैं, हर मुल्ला हर मौलवी हर देश में जाता है अपनी तरीके का इस्लाम बताता है, ऐसे ही इस्लाम में 72 से भी ज्यादा फिरके हैं, और मैंने ये भी देखा कि एक फिरके में से ही पता नहीं कितने फिरके निकले हुए हैं ये, और हर फिरके वाला आप दूसरे फिरके की मस्जिद में नहीं जाता है, इनमें इनके अंदर अलग अलग वो सेक्ट बने पड़े हैं, अलग अलग सेक्ट, 72 फिरके 73 फिरके 73 हूरे 72 हूरे, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत चीजें दुनिया में इन्होंने बताई है, इस दुनिया को एजुकेशन की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है, साइंस की जरूरत है इस दुनिया को ये 72 हूरों वाले जो नकली कंसेप्ट आपने दिए हुए हैं उनकी जरूरत नहीं है। सुबह ही खान ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि अगर आपको जानवरों को और इंसानों को अपने बस में रखना है तो आपको ये चीजें उनके ऊपर इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा। तो सुबह ही खान ने भी कहा कि अगर आप गूगल पे जाओगे वहां पर सर्च करोगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो वहां पर जानवरों को और अपने स्टाफ को जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर आपसे आपको कुछ काम करवाना है तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, उनको लालच देना पड़ेगा, फिर तभी वो काम करते हैं। और रैबिट और कैरेट का एक कंसेप्ट होता है, उसमें क्या होता है, रैबिट की पीठ के ऊपर एक डंडी बांध दी जाती है
और कैरेट उसके आगे लटका दी जाती है और फिर उसको बोला जाता है कि भैया अब तुझे कैरेट खानी है। वो आगे आगे चलता है, वो आगे आगे चलता जाता है तो कैरेट भी आगे बढ़ चलती जाती है, वो कैरेट कभी उसे मिलती नहीं है। और ऐसे करके जो है वो काम कराए जाते हैं लोगों से, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जैसे कि सुभी खान ने बताया। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग बड़े सही तरीके से इस्लाम ने फॉलो करी, इस्लाम ने ली ताकि सारी दुनिया को मुसलमान बनाया जा सके, लालच का कंसेप्ट दिया जा सके, लोगों को लालच बताया जा सके। जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी। इंसान को इस दुनिया में जो एक अय्याश किस्म का इंसान है उसे सेक्स चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे शोहरत चाहिए, अय्याश किस्म के इंसान को। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि आपको इन 5 चीज़ों को अपने वश में करना है। 5 जो आपके विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अपने वश में करना है। वहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि आप काम के प्रति जाओ, और ये भी नहीं बोला गया है कि आपको स्वर्ग में काम वासना में आप हो जाओगे, ऐसा नहीं बोला गया। तो भैया तुम लोग ये क्या चीज़ें बेच रहे हो, दुनिया में सबको पता चल रहा है। तो हम 5 चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर आप योग साधना करो तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हो। आप जो है वो इस दुनिया के भौतिक संसार की चीज़ों में मत खो, ये लिखा गया भगवत गीता में भी यही लिखा गया कि भौतिक चीज़ों का जो है चीज़ें हैं ना, भौतिक चीज़ें वो नश्वर हैं, वो नाशवान हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। भौतिक चीज़ें चिरस्थाई नहीं हैं, चिर आनंद नहीं हैं। जो भौतिक चीज़ों के ऊपर उठकर अध्यात्म में आते हैं वही चिर आनंद को प्राप्त होते हैं। तो हमारे में तो योगा की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिसमें कि आप योगासन ले सकते हो, प्राणायाम ले सकते हो, और दूसरा जो है आपका सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिसमें आप अपने अंदर की चीज़ों को साधते हो। तो लोग आसन को वो योगा समझ लेते हैं, प्राणायाम को योगा समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान योग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आसन और प्राणायाम नहीं होता है। ध्यान योग में आपको ध्यान करना होता है और उसमें आपको इन भौतिक चीज़ों से ऊपर उठकर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है वहाँ पर। और ये जो जन्नत का कंसेप्ट है यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है, और जन्नत और जहन्नम का जो डर दिखाकर लोगों को कट्टर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है वो समझना चाहिए सबको कि ये झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। इन काल्पनिक बातों के पीछे ना भागिए, अपने इस देश को, अपने समाज को एक स्वस्थ और सुंदर बनाइए। इसके साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।